अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो मैंने रेसिपी बनाई है, शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो वो है जी पंजीरी। जिस तरह हमारे बनाई जाती है पंजीरी, देसी पंजीरी, तो उसकी जो है ना इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रही हूँ ये वीडियो में। जो है ना सब जूम करके मैंने दिखाया है कि जो चीज़ पंजीरी के लिए ज़रूरी है, तो ये देख सकते हैं ये सारे। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे, जैसे कि अभी ये काजू है तो इनको देसी घी में पहले इनको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बादाम, काजू और पिस्ता वगैरह सब कुछ हमने देसी घी में थोड़ा सा हमने इनको ऑयल पे ऐसे फ्राई करना है। सारी चीज़ों को फ्राई करके जितने भी आपने इंग्रेडिएंट्स देखे हैं इसकी, फ्राई करने के बाद जो है ना, स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं। तो उसके बाद ये सूजी, उस वक्त मैंने नहीं दिखाई आपको, सूजी भी इसमें जो है ना वो फ्राई कर लेनी है। उसके बाद इसको सूजी को अच्छी तरह ऑयल में भी वो पका लेना है जैसे बनाते हैं। एंड में सारी चीज़ें पहले वो फ्राई कर ली हैं, एंड में जो है ना देसी घी और सूजी डाली है। फिर इसको जो है ना अपने ग्राइंडर में डाल के, तो हमने इसको पीस लिया है सारी चीज़ों को जो है ना डाल के। ये चीनी जो है, चीनी भी हमने पीस ली है इसमें। और उसके बाद ये तैयार है पंजीरी देसी घी, इसमें तकरीबन आधा किलो यूज़ हुआ है, देख सकते हैं आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी रेसिपी।